पिछले दिनों इकोसिस्टम में जो बदलाव किया गया है, चाहे वह प्रोफाइल डिटेल को लेकर हो, बिलिंग एड्रेस को लेकर हो या फिर अफिलिएट लिंक को लेकर हो, इकोसिस्टम में जो भी बदलाव किया गया है उसके बाद से कई लोग उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इकोसिस्टम में जो भी फीचर्स और ऑप्शंस को एक्टिव किया गया है, क्या वह एक्टिव होने के बाद काम कर रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इकोसिस्टम में प्रोफाइल डिटेल के ऑप्शन को एक्टिव तो कर दिया गया है, लेकिन आप उसमें अपना प्रोफाइल डिटेल को सेव नहीं कर सकते हैं। प्रोफाइल डिटेल या फिर बिलिंग एड्रेस, दोनों में से किसी भी डिटेल को एडिट करके फिल करने के बाद जब आप उसे सेव करेंगे तो वह सेव नहीं होगा। यहाँ पर जब मैं प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद प्रोफाइल डिटेल फिल करने का ऑप्शन दिखाई देने लगता है, और जब मैं एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद इसमें आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल कर सकते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करने के बाद जब मैं कंट्री को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर किसी भी कंट्री का लिस्ट दिखाई नहीं देता है। साथ ही कंट्री ऑफ रेजिडेंस वाले ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें भी कोई भी कंट्री का लिस्ट दिखाई नहीं देता है। वहीं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करने के बाद जब मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूँ तो यह सेव नहीं होता है। वहीं मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जब मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यह सेव नहीं होता है। इसके अलावा जब मैं बिलिंग एड्रेस में भी बिलिंग एड्रेस को फिल करने के बाद जब मैं कंट्री को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कंट्री वाले बॉक्स में कंट्री का लिस्ट दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण आप उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि प्रोफाइल डिटेल और बिलिंग एड्रेस वाले बटन को एक्टिव तो कर दिया गया है, लेकिन अभी आप उसमें कुछ भी सेव नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि हमारा जो अफिलिएट लिंक एक्टिव हुआ है तो क्या हम उस अफिलिएट लिंक को शेयर करके उसके द्वारा नए यूजर को इकोसिस्टम में ज्वाइन करवा सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफिलिएट लिंक दिखाई दे रहा है, और जब हम यहाँ पर क्लिक करके इसे कॉपी करते हैं तो लिंक कॉपी सक्सेसफुल हो जाता है और इसका नोटिफिकेशन भी आ जाता है। और जब मैं इस लिंक के द्वारा क्लिक करता हूँ, इस लिंक पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने इकोसिस्टम का लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। इकोसिस्टम का साइनअप पेज ओपन नहीं होता है, बल्कि इकोसिस्टम का लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। और इसका मतलब यह है कि हमारा जो अफिलिएट लिंक एक्टिव हुआ है वह लिंक भी अभी काम नहीं कर रहा है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद हम सीधा इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले जाते हैं, इकोसिस्टम के साइनअप पेज पर नहीं जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।